नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट मंत्रा प्लस में। दोस्तों आपके लिए मैं डेली स्टॉक की वीडियो लेकर आता हूं, जहां मैं आपको दो स्टॉक देता हूं और आपको एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलता है, काफी अच्छी मूवमेंट देखने को मिलती है। तो मैंने आपको दो स्टॉक दिए थे आज थर्सडे के लिए, चलिए देखते हैं उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही और उन्होंने कैसा मूव किया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर मैं लाइव मार्केट में इंट्राडे की अच्छी अच्छी कॉल पोस्ट करता रहता हूं, उससे आप काफी बेनिफिट ले सकते हैं, काफी कुछ सीख सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, मैं आपको जो भी कॉल देता हूं, चाहे मेरे टेलीग्राम चैनल की कॉल हो या मेरे यूट्यूब वीडियो की कॉल हो, सभी कॉल्स कैश कैलेबल होते हैं, कोई भी फ्यूचर कैलेबल नहीं होता है। तो आप इस चीज को जरूर ध्यान में रखें और सभी कॉल सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज से होते हैं, तो आप इनको देखें, सीखें, एक अच्छे ट्रेडर बनने की कोशिश करें। और आप चाहें तो पेपर ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, और कृपया कोई भी ट्रेड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर कर लें, क्योंकि मैं आपको कोई भी बाइंग या सेलिंग की सलाह नहीं देता हूं। चलिए देखते हैं हमारा जो पहला स्टॉक था उसकी मूवमेंट कैसी रही। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको जो पहला स्टॉक दिया था पिडिलाइट का, देखिए पिडिलाइट को मैंने आपको सेल दिया था 1223 के नीचे, तो यहाँ पर हमारी सेल कॉल एक्टिवेट हुई, इसने लो लगाया 1219 का, उसके बाद इस स्टॉक ने ऊपर जाकर हमारे स्टॉक लॉस को हिट कर दिया। तो यहाँ पर हमें सिर्फ 4-5 पॉइंट की मूवमेंट देखने को मिली, उसके बाद स्टॉक यहाँ से रिवर्स हो गया। एक्सपायरी की वजह से मार्केट काफी वोलेटाइल था, तो इस वजह से ऐसी मूवमेंट हमें देखने को मिली। चलिए देखते हैं मैंने आपको जो दूसरा स्टॉक दिया था उसकी मूवमेंट कैसी रही। दोस्तों मैंने आपको जो दूसरा स्टॉक दिया था अजंता फार्मा का, अजंता फार्मा को मैंने आपको बाय दिया था 933 के ऊपर, तो बाय कॉल हमारी कहीं भी एक्टिवेट नहीं हुई, क्योंकि आज का इसका डे हाई रहा 931 का। अगर मैं बात करूं सेल साइड की, मैंने आपको सेल दिया था 923 के नीचे, तो यहां पर हमारी सेल कॉल यहां पर आप देख सकते हैं पहली कैंडल में एक्टिवेट हुई, इसने अपनी पहली कैंडल में फिर एक्टिवेट होने के बाद लो लगाया 918 का, आगे जाकर यहाँ पर इसने लो लगाया 914 का, इसमें हमारा जो फर्स्ट टारगेट था 916 का, उसको यहाँ पर इसने काफी आसानी सेट किया और सेल साइड में हमें एक बेहतरीन प्रॉफिट देखने को मिला। उसके बाद स्टॉक पूरे दिन ये भी एक रेंज में रहा, लेकिन हमारा फर्स्ट टारगेट डन हो गया था, तो एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला। तो ये थे दोनों स्टॉक। अब चलिए देखते हैं मैंने आपके लिए जो फ्राइडे के लिए दो स्टॉक सिलेक्ट किए हैं वो कौन से हैं, उनकी मूवमेंट आपको कैसी देखने को मिल सकती है। उससे पहले अभी तक आपने आप स्टॉक से जीरोधा में अकाउंट ओपन नहीं किया तो आप अकाउंट ओपन कर लीजिए। अगर आप स्टॉक्स में अकाउंट ओपन करते हैं तो अभी अकाउंट ओपनिंग का चार्ज बिल्कुल फ्री चल रहा है, तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप उस लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको अकाउंट ओपनिंग का कोई भी चार्ज नहीं देना है। इसके साथ ही आपको दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलेगा कि अगर आप उस लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करेंगे तो मैं आपको अपने पर्सनल ग्रुप में ऐड करूंगा, वहां पर आपको पूरा मेरा सपोर्ट मिलेगा, आपको इंट्राडे की कॉल्स मिलेंगी, तो उससे आप एक अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं, काफी कुछ सीख सकते हैं और वो ग्रुप आपके लिए बिल्कुल पूरी तरह से फ्री होगा। चलिए देखते हैं हमारा जो पहला स्टॉक है फ्राइडे के लिए वो कौन सा है। तो दोस्तों मैंने आपके लिए जो पहला स्टॉक सिलेक्ट किया हुआ है सेंचुरी टेक्स का, देखिए सेंचुरी टेक्स ने यहाँ पर अपने सपोर्ट के पास क्लोजिंग दी हुई है, स्टॉक ने यहाँ से एक रिवर्सल पैटर्न भी बना दिया है। अगर अपने इस देख सकते हैं यहाँ पे जो सपोर्ट है इसको सस्टेन करता है, अपने इस रिवर्सल पैटर्न को बरकरार रखता है, बाय साइड में निकलता है, तो एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो इसमें सेंचुरी टेक्स को बाय करेंगे 938 के ऊपर, स्टॉप लॉस होगा 931 का, हमारा फर्स्ट टारगेट 945, सेकंड टारगेट होगा 953 का, अंतिम टारगेट होगा 960 का। अगर सेंचुरी टेक्स अपने इस सपोर्ट को ब्रेक करता है, नीचे को निकलता है, तो उसको हम सेल करेंगे 929 के नीचे, स्टॉप लॉस होगा हमारा 937 का, हमारा फर्स्ट टारगेट 922, सेकंड टारगेट 915, अंतिम टारगेट होगा 907 का। तो दोस्तों ये था पहला स्टॉक, चलिए देखते हैं हमारा जो दूसरा स्टॉक है वो कौन सा है, उसकी मूवमेंट आपको कैसे देखने को मिल सकती है। दोस्तों मैंने आपको जो दूसरा स्टॉक आपके लिए सिलेक्ट किया है वो है गोदरेज प्रॉपर्टी का। देखिए गोदरेज प्रॉपर्टी ने एक छोटा सा ट्रायंगल बनाया हुआ है अपने सपोर्ट के पास, स्टॉक ने क्लोजिंग दी है, तो अगर अपने इस ट्रायंगल पैटर्न को इस सपोर्ट को ब्रेक करता है, नीचे को निकलता है, तो इसको सेल करेंगे हम 972 के नीचे, स्टॉप लॉस होगा हमारा 980 का, हमारा फर्स्ट टारगेट 965, सेकेंड टारगेट होगा 957 का, अंतिम टारगेट होगा 949 का। अगर गोदरेज प्रॉपर्टी अपने इस ट्रायंगल को अपसाइड में ब्रेक करता है तो इसको हम बाय करेंगे 981 के ऊपर, स्टॉप लॉस होगा हमारा 974 का, हमारा फर्स्ट टारगेट 988, सेकेंड टारगेट हुआ 995 का, अंतिम टारगेट हुआ 1003 का। तो दोस्तों आज के बस इतना ही, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो कृपया लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए आए तो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी हर वीडियो आपको समय से मिलती रहे, आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मैं मिलता हूँ आपसे इसके नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।